महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीला श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो आज हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में परिक्रमा करते करते जिस स्थान पर आए हैं वो है श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर, जो आज जैसे कि गुरु महाराज कथा कर रहे थे कि हम लोग का तीन गौड़ीय वैष्णवों का मूल विग्रह है, श्री राधा मदन मोहन जी हो गए संबंध विग्रह, हम लोग का संबंध स्थापित करते हैं गुरुदेव श्री राधा मदन मोहन जी के साथ, फिर हम लोग को संबंध के बाद सेवा कैसे करना है वो हम लोग श्री राधा गोविंद देव के माध्यम से ही सीखते हैं, और फिर जो हम लोग का प्रयोजन है वो है श्री राधा गोपीनाथ। तो हम लोग आज जिस श्री विग्रह का दर्शन करते हैं श्री राधा गोविंद देव जी का, उनको प्रकाशित किया था श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने। तो भगवान क्या होते हैं, भगवान के अंदर एक विशेष गुण होते हैं उनके भक्त वत्सलता। तो भगवान हमेशा उनके भक्तों को ही महिमा को प्रकाशित करते हैं। जो श्री रूप गोस्वामी पाद जी थे वो बहुत ही ऊँचे पद के थे उस टाइम में, जो मुगलों का शासन था वो पश्चिम बंगाल से थे उस टाइम में, वो वित्त मंत्री थे श्री दबीर खास हुसैन शाह के, राजा बादशाह हुसैन शाह थे उस टाइम, उनके अंदर में वो वित्त मंत्री थे उस टाइम में, और उनके पास बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन थे। फिर भी उन्होंने अपने जब महाप्रभु से मिले, महाप्रभु का आज्ञा लेके छह गोस्वामी में एक है श्री रूप गोस्वामी जी, तो यहाँ पे आए थे वृंदावन में, और उस टाइम वृंदावन पूरा जंगल हो गए थे। अभी हम लोग जैसे कि बहुत सारे श्री विग्रह मंदिरों का दर्शन करते हैं, उस टाइम ऐसा कोई विग्रह नहीं था, सभी तीर्थ जो है वो लुप्त हो गए थे, वन में परिवर्तित हो गए थे वृंदावन। तो महाप्रभु ने आज्ञा दिया था छह गोस्वामियों को कि जाओ पहले जितने भी लुप्त तीर्थ है सबको उद्धार करो, फिर श्री विग्रह का प्रतिष्ठा करो, फिर जो वैष्णव सदाचार है उस ग्रंथों का प्रचार करो, प्रकाशित करो ग्रंथों का, फिर जो वैष्णव सदाचार है उसको प्रचार करो पूर्ण पूरे भारतवर्ष में, और जितने भी मानव जाति है सभी को जो वैष्णव शिक्षा है वो देने के लिए भेजा था। फिर जब श्री रूप गोस्वामी पाद जी ब्रज में ऐसे वास करते थे, बहुत दीनहीन भाव से वास करते थे, और हर समय हा राधे हा कृष्ण हा गोविंद ऐसे करके ही रुदन करते थे, और बहुत ही वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। तो उसी समय जो श्री राधा गोविंद देव जी थे वो तो मिट्टी के नीचे थे, गोमातिला है यहाँ पे यमुना जी के पास, उस गोमातिला के नीचे गोविंद देव जी धसे हुए थे उस टाइम में, जब ये सब मुगलों का आक्रमण वगैरह हुआ था, तो उस टाइम जो पुजारी लोग थे वो लोग तो नीचे दबा दिए थे, पानी में रख दिए थे, फिर मिट्टी के नीचे भगवान को रख दिए थे कि भगवान को कोई उत्पात ना करे। और ये मंदिर भी अभी देख रहे हैं, ये उस समय के बहुत ही भव्य मंदिर थे, 7 मंजिलें थे, तो मुगलों का जो आक्रमण हुआ था वो 3 मंजिलें पूरा तोड़ दिए थे। फिर उसके बाद श्री राधा गोविंद जी को कैसे जयपुर लेके गए थे, वो बहुत विस्तारित है उसका भी व्याख्या। फिर जो राधा गोविंद जी है उन्होंने श्री रूप गोस्वामी पाद जी को स्वप्नादेश दिया कि मैं ऐसे गुमातिला के अंदर हूँ, मुझे ऐसे उद्धार करो। फिर रूप गोस्वामी पाद जी ने उनको उद्धार किया, फिर उनके विग्रह प्रतिष्ठा हुए, फिर मंदिर में उनका सेवा पूजा होने लगे। तो भगवान जो है वो भक्तवत्सल है, वो भक्त को ही हमेशा प्रकाशित करते हैं, भक्त की महिमा को ही प्रकाशित करते हैं। और उसके बाद कैसे राजा मानसिंह के साथ उनके संबंध हुआ, फिर कैसे यहाँ से जयपुर चले गए उधर, और फिर उधर जाने के बाद भी जो राजकुमारी है राजकुमारी के साथ भी उनका संबंध रहा, फिर उनके साथ करौली चले गए। तो भगवान हमेशा भक्तों के जो महिमा है उसी को ही प्रकाशित करते हैं, और हम लोग इस जगत में देखते हैं सबको आनंद प्राप्ति के लिए खोज करते हैं, किसी को दुख नहीं चाहिए जीवन में, सबको आनंद चाहिए, तो वो आनंद का स्रोत क्या है उसको हम लोग को जानना पड़ेगा। जो गोविंद देव है आज जैसे गुरु महाराज कथा में बोल रहे थे, जो हम लोग का इंद्रिया है वो करोड़ों करोड़ों जन्म से अतृप्त है, असंतुष्ट है, और उनको सब इंद्रियों को संतुष्ट, इंद्रियों का जो वेग है वो कब संतुष्ट होगा, वो जब हम लोग का भगवान के साथ संबंध होगा, और जब हम लोग भगवान की सेवा करेंगे तभी जो हम लोग का ये अतृप्त इंद्रिया है जिससे हम लोग पीड़ित है काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से, तो वो जब इंद्रिया शुद्ध हो जाएंगे भगवान की सेवा से ही। और यही हम लोग को सिखाते हैं हम लोग आचार्य वर्ग, कैसे हम लोग अभी जितने भी हम लोग दर्शन करते हैं, अगर गुरु वैष्णव का अनुगत्य में हम लोग दर्शन नहीं करेंगे ऐसे अपने मनमानी से आएंगे, तो एक जो धाम की महिमा है, जो श्री विग्रह की महिमा है, उसको कभी हम लोग समझ नहीं पाएंगे।
ऐसे ही दर्शन करके हम लोग चले जाएंगे। और भगवान कितने कृपालु है, भगवान की भक्तवत्सलता कितना है। द्रौपदी जी ने उनके लाज रखने के लिए जब कुरु राजवंश में उनके चीरहरण हो रहे थे तो उनके सामने पांच मतलब सब तो सबको महावीर महायोद्धा थे लेकिन किसी ने भी उनको रक्षा नहीं कर पाए। कौन रक्षा किया? स्वयं गोविंद आए। फिर हम लोग सुनते हैं प्रहलाद महाराज जी के लिए भगवान ने नरसिंह रूप का अवतार लिया, अपने रूप को ही विकृत कर दिया, आधा नर आधा पशु। तो भगवान कितने दयालु है उसका हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते। फिर आते हैं गजेंद्र का उदाहरण। तो गजेंद्र एक हाथी थे, हाथी शरीर में भी उनको पिछले जन्म का भक्ति याद थे। फिर उन्होंने जब मगरमच्छ ने उनको ग्रास कर रहे थे तो उन्होंने सरोवर से एक कमल का पुष्प उठा के भगवान विष्णु को अर्पण किया। तो इसीलिए भक्ति एक ऐसा चीज है वो कभी नाश नहीं होते है। अगर हम लोग इस जन्म में थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं तो हम लोग का करोड़ों करोड़ों जन्म तक वो भक्ति हम लोग को आगे लेके जाता है। इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं नेहाभिक्रमो नाशस्ति प्रैतावायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्। स्वल्पम, अगर हम लोग थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं इस जन्म में तो वो भक्ति हमको नेक्स्ट जन्म में फिर और आगे तक लेके जाए। ऐसे जो भक्ति का क्रम है वो चलता ही रहता है। लेकिन इस जगत में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जितना भी पैसा कमाए, जितना भी अच्छा एजुकेशन ले, मतलब जितना भी हायर पोस्ट में नेम फेम जो भी रहे, वो इस जगत में ये शरीर के नाश होने के बाद सब माइनस हो जाते हैं। लेकिन भक्ति हमेशा प्लस बढ़ता रहता है। तो ये है भक्ति का महत्व और ये है हम लोग का गुरुवर्गों का महत्व जो हम लोग को भक्ति के बारे में आज इतना कुछ सिखा रहे हैं श्री विग्रह के बारे में। और दुख के विषय ये है अभी मॉडर्न एजुकेशन जो है उसमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज तो बहुत है इंडिया में, कोई भी मतलब एजुकेशन की कमी नहीं है। लेकिन किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो आत्मा और परमात्मा के विज्ञान है, जो आत्मा साक्षात्कार के विज्ञान है, जो हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये सब जो आत्मा साक्षात्कार के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो क्वेरीज है, वो कभी भी हम लोग किसी भी स्कूल कॉलेज में हम लोग को सिखाए नहीं जाते हैं। वो कहाँ सिखाएंगे? वो गुरुवर्ग ही सिखाएंगे, उनके ही विशेष अनुकंपा है क्योंकि उनको भगवान की अनुभूति है। मतलब उनके साधन बल से उन्होंने भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ दिया है। और गुरु जो है, गुरु इस जगत के नहीं है, गुरु अप्रकृत जगत से आते हैं, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भजन करना चाहिए और उनके अनुगत्य में ही दर्शन करना चाहिए। उसी से ही हम लोग का जो ये यात्रा है ये सफल हो जाएंगे। इसी को बोल के मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो भगवान गोविंद देव की जय। जोर से बोलो, सब सो गए लगता है। बोलो भगवान गोविंद देव की। हाँ, आप लोगों ने अभी अभी श्रवण कर रहे थे। जयपुर से कौन है? जयपुर के दो चार है। अभी जो यहाँ के जो मूल गोविंद देव है, जिसको बज्रनाभ ने स्थापित किया था, जो मूल गोविंद देव यहाँ से कहाँ अभी ये जयपुर में चले गए। जब यहाँ से सारे ठाकुर जयपुर चले गए तब यहाँ पर फिर मंदिर खाली हो गया, फिर पुनः यहाँ पर नए रूप में फिर गोविंद देव को यहाँ पर स्थापन करते हैं। अभी अभी आप लोग ने श्रवण कर रहे थे, श्री जो गोविंद देव है इनको श्री रूप गोस्वामी ने इनको प्रकाशित ये ठाकुर जी को किया है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का निर्देश था। चैतन्य महाप्रभु जानते थे जिस समय मुसलमान लोगों ने हर समय हमारे हिंदू धर्म के ऊपर में आक्रमण किया, इसलिए हर हिंदू को थोड़ा सावधानी होनी चाहिए। क्या सावधानी होनी चाहिए? आप देखना शुक्रवार को ये मुसलमान लोग छोटे छोटे बच्चों को भी टोपी पहना कर ले जाते हैं और ऐसे नमाज पढ़ते हैं, मेन रोड के ऊपर में रोड जाम कर देते हैं, रोड को जाम कर देते हैं। मैं एक समय जयपुर में कथा करने गया था, मैं आ रहा था, देखा एक 10 साल का छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने जो नाम बताया इससे पता चला ये मुसलमान है। मैंने पूछा तेरे को अपना कुरान आता है? वो छाती हैं सीना तान करके बोले हाँ मेरे को कुरान आती है। मैंने बोलो तो कुरान हो, झटाझट बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र से ये कुरान सिखाते हैं? वो मुसलमान का बच्चा कहता है हमारी धर्म में कंपलसरी जब 2 साल हो जाता है ना उनको कंपलसरी कुरान पढ़ना पड़ेगा ही। आप बताओ हम हिंदू कहते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म इतना महान है, कौन यहाँ पर पिता माता जो बच्चे को बोलते हो गीता पढ़ रामायण पढ़ कोई बोलते हो? बच्चों को पूछो, लेकिन स्मार्टफोन दे देते हैं तो स्मार्टफोन बचपन में वो स्मार्टफोन उसको पकड़ा देते हैं। कोई गीता का श्लोक भागवत का रामायण का कोई चौपाई पढ़ो,
कुछ भी नहीं, कौन हीरो का नाम पूछो, कौन हीरोइनी का नाम, सब याद है। इसलिए हमारी धर्म क्यों घटते हुए जा रहा है, ये हमारी दोष है। हम अपना बच्चों को बड़े एजुकेशन कराएंगे, यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, जो ज़्यादा लिखा पढ़ा हो जाए ना, पिता माता को गाली दे सकता है, सिगरेट शराब पिएगा, लेकिन उसको गीता रामायण का कोई चौपाई याद नहीं, खुद पिता माता को पता नहीं, बच्चों को क्या संस्कार देंगे। पहले पिता माता तो संस्कार बने, पहले तो पिता माता सीखे, पिता माता नालायक बच्चे तो नालायक होगा ही। इसलिए खुद अगर हम गीता रामायण भागवत पढ़ेंगे तभी तो बच्चे के ऊपर हम संस्कार को तभी डाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या करना, पहले खुद भजन करो और बच्चों को भी भक्ति का संस्कार बच्चों के अंदर में डालो। इसलिए मुसलमान का आक्रमण से यहाँ से सारे ठाकुर ले गए, फिर परवर्ती समय में जब मुसलमान आक्रमण की उसी समय में क्या किया था, सब ठाकुर जी को मिट्टी को नीचे सब गाड़ दिए, कहीं तालाब में फेंक करके, क्योंकि मुसलमान लोग तोड़ फोड़ देंगे ठाकुर जी को, इसलिए ऐसे चले गए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गोस्वामियों को आदेश दिया था, क्या आदेश दिया था, ये जितने सारे ठाकुर जी को प्रकाशित करो, जो तीर्थ सब लुप्त हो गए, लुप्त मतलब कृष्ण कहाँ पर आए, कहाँ बंसर बसरी बजाए, कृष्ण कहाँ पर उन्होंने लीला की, ये सब को प्रकाश करो। जब मदन मोहन और श्री गोपीनाथ जब प्रकाशित तो हो गए, अभी रूप गोस्वामी सोच रहे हैं अभी ये गोविंद देव कहाँ, अभी पता नहीं हैं, ये गोविंद देव कहाँ पता नहीं, बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे। कृष्ण स्वयं, गोविंद देव स्वयं आए, बोले बाबा क्या कर रहे हो, दुखी होकर क्यों बैठे, बोले महाप्रभु का आदेश था ठाकुर जी को प्रकाश करने के लिए, लेकिन ये दो ठाकुर तो प्रकाश हो गए बज्रनाभ गुरुद्वारा जो स्थापित, लेकिन अभी ये गोविंद देव कहाँ पर हमें अभी पता नहीं। तब स्वयं गोविंद देव ही बताए, बोले यहीं पर एक गोमा टीला है, अब यहीं पर जाओ, वहीं पर देखना, ठीक दो पर होने पर एक सुरभि गाभी कहीं से आएगा और वो खड़े होने पर अपना स्तन से अपनी आप दूध चुचवाने लग जाएगी। वो जहाँ पर वो दूध गिरता है वहीं पर गोविंद देव है। तब उन्होंने यहीं पर आकर के देखा, एक कपिला गाभी पता नहीं कहाँ से आया और खड़े होते ही उसका स्तन से अपने आप दूध झरने लग गया। तब उनको पता चला यहीं पर भगवान श्री गोविंद देव है। फिर वृंदावन के सारे भक्तों को बुलाए, बोला हमारे ठाकुर यहीं पर है। तब मिट्टी को खुदाई करके जब देखा, सचमुच से श्री गोविंद देव प्रकट हुए, बोले भगवान गोविंद देव की। हाँ, कहते ये गोविंद देव का विशेषत्व क्या है, अभी हमारे प्रभु जी के भजन गा रहे थे ना, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, बोले सावधान, क्या कह रहे हैं, बोले सावधान, बोले किस चीज की सावधान, बोले देखो भूल से भी ये वृंदावन मत जाओ, कहाँ मत जाओ, लेकिन आप लोग वृंदावन आ गए, लेकिन वो संत कहते खबरदार वृंदावन मत जाओ, अगर भूले भटकते हुए अगर वृंदावन चले गए ना, यहाँ पर एक कैसी तीर्थ घाट है, वहाँ तो प्यार पढ़नी नहीं चाहिए, बोले भैया तो वहीं पर ऑलरेडी खड़ा हुआ हूँ, बोले वहीं पर खड़े, बोले हाँ, बोले और एक चीज ध्यान दो, ये जो मंदिर गोविंद देव का, बोले ये गोविंद देव मंदिर में तो प्यार नहीं पढ़नी चाहिए, बोले भैया वही गोविंद देव मंदिर में तो हम खड़े हुए है, बोले अगर खड़े हो गए तो सावधान, इनको देखना नहीं, ये गोविंद देव को दर्शन नहीं करना, बोले क्यों, बोले बंधु संगे अस्ति जदिस रंग परिहास, अगर तुम्हारी बीवी बच्चे पत्नी नाती पोतियों को साथ में अगर तुम हंसी दिलाई करते हुए संसार बिताना चाहते हो, बोले इनको एकदम मत दर्शन कर, बोले क्यों, बोले सेरूप नयन हेरे केह नाही घरे फिरे, अगर एक बार इनको दर्शन करोगे ना भैया, उनका जो तेरी सी चित्त बनने वो तीर है और जो मीठी मीठी मुस्कुराहट हाट है ना वो क्या, ये जादू है, और एक बार एक अगर किसको एक बार तेरी सी चितवन से देखे ना, वो तीर छाती में चुभेगा तो इस पार से उस पार हो जाएगा, खबरदार उनके सर पर जो मयूर मुकुट, उनको पर विश्वास नहीं करना, उनको पर में विश्वास नहीं करना। इसलिए यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते कल कारण किया, बोले अगर पत्नी देखेगा था ना पति को भूल जाएगा, अगर पत्नी देखेगा तो पति को, पति देखेगा तो पत्नी को भूल जाएगा, अगर बच्चे देखेगा तो पिता माता को भूल जाएगा, अगर पिता माता देखेगा तो बच्चे को भूल जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ आई होगी लेकिन पति नहीं आए होंगे, बोले क्यों, बोले कारण ही हो गोविंद देव को दर्शन कर लिया ना,
यहाँ पर को जो पति आए होंगे लेकिन पत्नी नहीं आई होगी। बोले क्यों? बोले एक बार जो इसको दर्शन कर लेता है ना, फिर तो ये दुनिया में किसी गंदी चीज में, दुनिया में कोई सी चीज को देखने की इच्छा नहीं रहेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चों को देखो जो बाबा बन गए। क्यों बाबा बन गए? कारण है एक बार जब ये गोविंद देव का दर्शन करते हैं ना, जब इनकी कथा सुनते हैं, इसलिए गोपियाँ कहती हैं महत मुखरितम पीयूषम, कहते संतों की मुँह से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी प्रवाहित तो होती है, कहते अगर वो नदी में अगर कोई स्नान करेगा ना, संसार का जितने दुख कष्ट सबके सब भूल जाएगा। कहते सेरूप नयन हेरे, मतलब इसको अगर एक बार देख कोई लिया ना, केहो नहीं घरे फिरे, फिर वो घर में नहीं लौटेगा। कहते फिर वो घर में नहीं लौटेगा। लेकिन हमारे बड़े महाराज कहते थे, कहते उनको जो दर्शन करेगा घर में लौटेगा नहीं। तो गुरुदेव कहते थे ऑलरेडी ये सबके सब तो रिटर्न टिकट काट करके आए हैं। क्या काट करके आए हैं? ये रिटर्न टिकट काट करके आए। बोले क्यों? घर में वापस जाने के लिए हैं। लेकिन शास्त्र कहता है जो एक बार उनको दर्शन करे वो कभी घर में वापस नहीं जाता है। लेकिन हम तो रिटर्न टिकट काट कर आए, घर में जाने के लिए पहले से ही तैयारी बैठे हैं, तैयारी बैठे हैं। बोले इसका तात्पर्य क्या है? वो संत कहते हैं रूप गोस्वामी खबरदार वृंदावन में मत जाओ, ये ठाकुर को मत देखो। मतलब क्या? नहीं देखने के लिए। बोले नहीं भैया, एक बार ठाकुर को देख करके एक बार दर्शन तो करो तो सही, एक बार उनको दर्शन करो। संसार का कौन सा रूप में तुम पड़े हुए हो? एक बहुत बड़े एक कोई बड़ा ये था, गुंडा था, जिसका नाम था धनुर्धर है। वो बहुत बड़ा गुंडा था, बदमाशी था। ये इसका जो पत्नी थी ना, बहुत सुंदरी थी पत्नी, सचमुच से बड़ी सुंदरी थी। इसलिए वो जब चलता था अपना स्त्री को सर के ऊपर में छत्री धारण करते हुए चलता था, और कैसे चलता था जानते हो? पीछे पीछे चलता था, और उसका पत्नी को मुंह कैसे देखते देखते, और स्त्री को सर के ऊपर छत्री, और जो चलता था पीछे पीछे स्त्री के मुंह को देखते हुए। उसकी पत्नी थी बेचारी भक्ति। एक दिन ठाकुर जी को दर्शन, रंग जी को दर्शन करने गए। जब गए उनकी पत्नी तो ठाकुर को दर्शन कर रहा था, लेकिन ये ठाकुर को नहीं, उसका बीबी को मुंह कैसे देख रहा था। लेकिन वहां पर रामानुज आचार्य और लक्ष्मण है, रामानुज आचार्य थे, तो उन्होंने बोले भैया ये रंग जी को दर्शन, ठाकुर को दर्शन करो। बोले ये पत्थर में क्या रखा हुआ है? जगत में जो बढ़िया चीज उसको तो दुनिया में देखते है ना। बोले हाँ। बोले बाबा अगर एक बार मेरे बीबी के मुंह को देखोगे ना, ये पत्थर को देखना भूल जाओगे। तब रामानुज आचार्य ने कहा अगर इससे कोई सुंदर रूप का दिखा दे, फिर उसने कहा इनको फिर देखना छोड़ दूंगा, उनको ही देखूंगा। इतने में श्री रामानुजाचार्य कौन? लक्ष्मण है। तब उन्होंने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना किया, ठाकुर जी आप इसको एक झलक दर्शन दिला। पता नहीं ये टाटी पेशाब का थली, ये शरीर में क्या बताओ? टाटी पेशाब खून पीक और कुछ नहीं। सवेरे उठ करके देखना, मुंह में बदबू, आंख में बदबू, नाक में बदबू, नीचे से तो बदबू बदबू निकलती है। आप ब्यूटी पार्लर में जाओ, बड़े सुंदर सज्ज करके थोड़ा धूप में निकला, 5 मिनट निकल करके आ जाओ, देखना तुम्हारी रोम रोम से गंदगी निकलेगी, रोम रोम से बदबू निकलेगा, शरीर में कुछ है ही नहीं। इसलिए कहते पंच रचित तो ये अधम शरीरा। बोले ठाकुर जी एक बार इसको अपना असली रूप दिखा दो। जब ठाकुर जी को प्रार्थना की, इतने में रामानुज आचार्य ने इनके सर पर उन्होंने हाथ धरे। जब हाथ धरे उनको दिव्य ज्ञान प्रदान की, दिव्य ज्ञान दिया, तो उन्होंने ठाकुर जी को एक झलक दर्शन किया। और एक बार ठाकुर को दर्शन करके ना वहीं पर बेहोश हो गया, वहीं पर वो बेहोश हो गया। इतने सुंदर ठाकुर की रूप थी। लेकिन जब बेहोश हो गया ना, उसको बाद में फिर पत्नी को देखना भूल गया। अभी कभी अपना पत्नी को तरफ में नहीं देखता है, क्योंकि उससे सुंदर रूप देखा है ना। ठाकुर जी तो सबसे सुंदर है, इसलिए गोपियां कभी कभी कृष्ण को ताना मारती है। बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली, गला कट जाती करोड़ ने की। बोले नंद लाला अच्छा हुआ तू लाली नहीं बनकर के लाला हो गया, अगर तू लाली होता ना, इतना सुंदर है तेरे को, तेरे पीछे तो दुनिया मर जाते। अच्छा हो गया तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, इतने कृष्ण सुंदर हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते भैया ये गोविंद देव को अगर जीवन सार्थक करना चाहते हो, एक बार ये गोविंद देव को जरूर दर्शन करो। देखो ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, ठाकुर जी कितने प्यारे हैं। कहते कमन्य कोटि कंदर्प रूपम,
करोड़ों काम देव को भी भगवान की रूप जितने वाले इतने सुंदर श्री गोविंद देव है। बोले श्री भगवान गोविंद देव की जय। हर जोर से बोलो, बोले श्री भगवान गोविंद देव की जय। इसलिए कहते हैं गोविंद का मतलब क्या होता है, बोले गो मतलब होता है इंद्रियां, हाँ, और गो मतलब होता है वेद, गो मतलब होता है गोप, गो मतलब होता है गोपी, हाँ, ये पृथ्वी, गो मतलब पृथ्वी, बिंदति मतलब आनंद दी, जिसने विश्व ब्रह्मांड को जो आनंद प्रदान करता है ये कौन है, श्री गोविंद देव है। इसलिए श्री भागवत में माता कुंती ये गोविंद नाम की तात्पर्य कहते हैं। बोले गोविंद का असली तात्पर्य क्या है, बोले गोविंद मतलब सभी की इंद्रियों को जो आनंद प्रदान करते हैं। यद्यपि ये सभी को आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन श्री माता कुंती कहती हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप में ये आनंद किसको देते हैं, बोले भक्तों को। बोले भक्तों में चूड़ामणि कौन है, तब वो श्लोक में कहते हैं, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहते जगत में जो कृष्ण को भक्ति करते हैं, जगत में बड़े भाग्यवान जो कृष्ण भक्ति करते हैं, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले ये स्वयं वसुदेव महाराज। बोले क्यों, बोले जगत का पिता हो करके वो आए तो अपना पिता किसको बनाए, बोले वसुदेव महाराज से। बोले उनसे श्रेष्ठ, बोले देवकी। बोले क्यों, बोले कृष्ण को 9 महीना तक गर्भ में धारण किसने किए, देवकी मैया ने गर्भ में धारण की। मतलब है पिताजी से माता की जीवन ज्यादा धन्य, क्योंकि बच्चा माँ की गोद में लालन पालन ज्यादा होती है। बोले उनसे कौन श्रेष्ठ है, बोले नंद जसोदा और श्री मैया, नंद जसोदा और श्री नंद बाबा, क्योंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले ये ब्रज की गोपियां। बोले क्यों, कृष्ण किसको साथ में रास रचाए, बोले ये गोपियों को साथ में। लेकिन इस सर्वतव रूप में इनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले सर्व गोपी सुसेवई का विष्णु रतन तवल्लभा। ये गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, किसकी चरण की सेवा करती हैं, बोले श्री राधा रानी की। इसलिए श्री मैया जसोद, श्री मैया कुंती कहती हैं, गोविंद शब्द का पूर्ण जो मुक्त प्रग्रह वृत्ति में इसका जो व्याख्या है, यद्यपि कृष्ण सबको आनंद देते हैं, लेकिन इस सर्वतर रूप में किसको आनंद देती हैं, बोले श्री राधा रानी को, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए भगवान श्री गोविंद देव इसलिए हमारी इंद्रियों को भी आनंद प्रदान करे, और हमारी इंद्रियां ये माई की विषय से छूट करके जैसे कृष्ण चरण में हमारी, अगर इंद्रियां अगर कृष्ण सेवा में लग जाए तभी हमारी जीवन सार्थकता होगा। बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले श्री रूप गोस्वामी की। हाँ देखो, ये जो मंदिर है ना, पहले ये 7 मंजिल थी, जब इसको ऊपर में दिया जलता था, एक समय राजा नवाब मुसलमान राजा औरंगजेब एक समय आगरा में बैठा हुआ था, लेकिन जब यहाँ पर दिया जलती थी इसका अग्नि शिखा आगरा तक दिखाई पड़ती थी। एक दिन मुसलमान राजा ने पूछा, भैया इतने तेज कहाँ से आ रहे हैं, बोले हिंदू मंदिर में दिया जल रहा है। बोले हिंदू मंदिर में दिया जल रहा है, इसका शिखा आगरा तक दिखाई पड़ता है, बोले जाओ सारे हिंदू मंदिर को तोड़ दो। सब लोग आकर के, उसका 7 मंजिल था, इसको ऊपर 3 मंजिल को तोड़ दिया, इसको ऊपर में है 3 मंजिल टूटा हुआ है। अब सामने देखोगे सारे जो पत्थर में जो मूर्ति फूर्ति उन्होंने तोड़ फोड़ दिया, इसलिए मुसलमान लोग घुस गए, इसलिए इसके पीछे फिर दोबारे के मंदिर बनाया, गोविंद देव का मंदिर बनाया। इसलिए ये हमारे हिंदू संस्कृति की ये सब चिन्ह हैं। आप लोग सब कोशिश करो अपना बच्चों को संस्कार डालने के लिए, कौन सा संस्कार, गीता पढ़ाओ, भागवत पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, बच्चों के अंदर में भी संस्कार आए, नहीं तो धीरे 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 पुनः ये मुसलमान राज्य तो हो जाएगा। सब हिंदू मुसलमान तो 4, 5, 10 बच्चे देते हैं, लेकिन हिंदू एक करके बोले बहुत हो गया, एक नहीं, कृष्ण का हर महिषियों से कितना बच्चे हुए बताए, हर महिषियों से 16,108 पटरानियों से एक एक महिषी की 8-8 बेटे और 1-1 बेटी। कृष्ण शिक्षा देते हैं, आज 8 संतान जन्म दो, 1-1 बेटी जन्म दो, ठीक है ना। अगर मुसलमान इतने बच्चे जन्म दे करके बच्चे को पालन कर सकते हो, हिंदू क्यों नहीं कर सकते हो,
इसलिए चार पांच तो कम से कम बच्चे दो इतना तो करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भगवान गोविंद देव की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हाँ, अभी हम लोग चलेंगे गोपेश्वर महादेव को, वहाँ कथा नहीं सुनेंगे केवल दर्शन करेंगे, करके भगवान जहाँ पर रास किया था वो रास मंडल में हम चलेंगे, ठीक है। चलो इधर उधर घूमना नहीं, सीधा सीधा हमारे आंख बंद करके पीछे पीछे चलते रहना।